कि पहले उस दिन भी राज्य भर्ती की जो अभ्यर्थी है अनिल कुमार मीणा जी मेरे साथ गए थे, आज मुलाकात अधिकारियों से थी। उन्होंने कहा है कि रूल संशोधन हमने कर दिया 1998 के रूल्स के अधीन आपकी भर्ती होगी और सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को कह दिया है कि वो एसएलपी जल्द से जल्द विड्रॉ कराए। तो साथियों नए रूल्स के जो आपने संशोधन देख लिया होगा, 9 तारीख को रात को आ गया था, अब एसएलपी विड्रॉ करवा रही है सरकार। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, सरकार ने एसएलपी लगाई थी 1996 और 98 का मामला था, 1996 वाला मामला रिजेक्ट हो गया, 98 के नियम के अनुसार कर रहा है और वहां से एसएलपी वापस विड्रॉ करिए सरकार। विड्रॉ होने के बाद ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो पाएगी, तो विड्रॉ में थोड़ा सा समय लगेगा, कानूनी प्रक्रिया है, संबंधित विभाग को वो बोल रहे हैं। आज अनिल कुमार मीणा था, आपको सबको बता देगा, आपका प्रतिनिधि मेरे साथ था, तो वो विड्रॉ होने के बाद आपकी विज्ञप्ति यानी कि इस महीने में तो आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, साफ है, क्योंकि वहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, विड्रॉ होगी, विड्रॉ होने क्योंकि वहां एप्लीकेशन लगेगी विड्रॉ होने की, और एप्लीकेशन लगने के बाद नंबर आएगा, फिर विड्रॉ होगी, विड्रॉ होने के बाद फिर आपकी विज्ञप्ति वाली प्रक्रिया होगी। इसलिए जो तमाम अभ्यर्थी है, कई लोग जो कहते हैं कि इसकी एग्जाम नहीं होनी चाहिए, तो उनको बोनस 10-20-30 अंक मिल रहे हैं, और जो बेरोजगार इंतजार 2008 से कर रहे, तो एग्जाम होना अनिवार्य है, एग्जाम ही होगी, आप चिंता नहीं करिए, एग्जाम ही होगी इसकी। फार्मासिस्ट भर्ती 2000 इसी भर्ती का इंतजार मुझे पता है काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे। साथियों मक्सिंग जो बाड़मेर के रहने वाले हैं वो मेरे साथ गए थे, मक्सिंग जी के सामने सारी चीजें उन्होंने बता दी, कुछ कारण था उन्होंने बताया, कुछ कारण था, अब वो आपको समझा देगा, वो संतुष्ट थे क्योंकि वो कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि किसी कारणवश भर्ती कोर्ट में नहीं अटक जाए, 2013 की भर्ती 9 साल बाद ये शुरू हो रही है, तो वो एक बार उसको पुनः चेक करवा रहे, संपूर्ण प्रक्रिया होगी, वो एक बार पुनः चेक करवा रहे कैबिनेट से अनुमोदन से पहले कि कोई खामियां नहीं हो जाए, डीओपी हो चाहे वो लो हो, तो तमाम जगह से वो उसको एक बार पुनः एक बार और परीक्षण करवाने की कोई कमी तो नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, उन्होंने सारी चीजें बताई, उनको समझाया, मक्सिंग इतना सा कह सकता हूं ये आपकी भर्ती 1000% होगी। मैं खुद फोन करके आपके अभ्यर्थी को साथ ले गया, उनके सामने बात हुई और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करिए और एक बात बता दूं, जो लंबित भर्तियों में जो भर्ती होगी उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी भर्ती का निस्तारण किया जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा साहब ये 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमें दिसंबर जनवरी फरवरी निकल गया, उन्होंने कहा हाँ समय लगा है, लेकिन जिसको 9 साल बाद उस भर्ती को कर रहे हैं, कई चीज कई लीगली जो कानूनी अड़चने आई थी उनको दूर किया है कि एक बार हम शुरू करते फिर अटक जाए फिर रोए, इसलिए एक बार थोड़ा सा समय लगे, आपने इतना समय सरकार को दिया तो थोड़ा सा समय वो दे दे। तो एलडीसी पंचायत राज एलडीसी 2013 के जो अभ्यर्थी मुझे पता है वो अवसाद में दुखी है परेशान है, सब जानता हूं मैं, लेकिन यार साथियों आपके लिए लगातार मैं ही भाग रहा हूं, चाहे वो धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिलना हो, चाहे कुलदीप राखा जी से मिलना हो, चाहे आरती मैम से मिलना, आपके अभ्यर्थी को साथ ले जाकर उनके सामने ऐसा लग रहा है आपके अभ्यर्थियों को पूछना कि वो नहीं बोलते मैं बोलता हूँ साहब, उनको ये लगता है कि यार यार भर्ती का अभ्यर्थी मैं हूं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, मैं दिल से मैं कहता हूँ साहब इज्जत के हमारी इज्जत कितनी बार चलेगी, कितनी बार हम लोगों के इस महीने लगातार लोग परेशान है, अवसाद में कई लड़कियां रोती है दुखी है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इतना इंतजार करें तो थोड़ा सा और कर लो, तो उन्होंने कहा प्राथमिकता के साथ अब एलडीसी भर्ती 2013 को निपटाएंगे, ज्यादा जानकारी आप उनको पूछे सच वो बता देंगे, जो मेरे साथ घनश्याम जी को मैं खुद लेके जाता हूँ, आज मक्सिंग जी खुद भाग रहा हूँ, खुद आवाज आपकी उठा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए होगा, आप थोड़ा सा इतना सेम के थोड़ा सा कर लीजिए भाई, खुशी आ जाएंगी। जैसे टेक्निकल हेल्पर वाले भी मुझे कहते थे कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब जारी होगी, क्योंकि साफ मना कर दिया था 1512 पदों की जो घोषणा हुई थी उस पहले कहते पद ही खाली नहीं, लड़ झगड़ के 1512 पद वो वित्तीय स्वीकृति दे उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, देख लो उनकी खुशी आएगी, पता ही नहीं चला कब विज्ञप्ति जारी होगी, अब आपको जब आदेश जारी होगा तो खुशखबरी मिल जाएगी, आज या कल मैं ट्वीट करूंगा सबसे पहले, तो थोड़ा सा प्लीज मैं दर्द समझता हूँ। इसके अलावा जो चीज है टीजीटी भर्ती 2000